नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ITBP कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट की वैकेंसी के बारे में। पोस्ट की अगर बात करें तो कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट मेल और फीमेल दोनों के लिए निकली हुई है। मेल के लिए 44 पोस्ट है और फीमेल के लिए 8 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 10th पास, अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ 10th पास रिक्वायरमेंट है। हाइट की बात करें तो मेल की हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल की 157 सेंटीमीटर। चेस्ट की अगर बात करें तो मेल की ओनली 80 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए। और रनिंग की बात करते हैं तो मेल 1.6 किलोमीटर 7.5 मिनट में दौड़ना होगा और फीमेल को 4.5 मिनट में 800 मीटर। लॉन्ग जंप की बात करें तो मेल 11 फीट और फीमेल 9 फीट। हाई जंप की अगर बात करें तो मेल 3.5 फीट और फीमेल 3 फीट। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। डेट के बारे में बात करते हैं तो एप्लीकेशन चालू है 29 अगस्त 2022 से और लास्ट डेट है इसकी 27 सितंबर 2022। आप 29-8-2022 से 27-9-2022 के बीच में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट अगर पेमेंट की बात करें तो 27-9-2022 ही है और एग्ज़ाम डेट अभी नोटिफाइड नहीं है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं, जनरल OBC और EWS के 100 रुपये फ़ीस लगेगी और SC ST और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 0 है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 0 है। एज की बात करें तो 18 से 25 उम्र के बीच के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, 18 साल से ऊपर और 25 साल से कम। और बात करते हैं अगर इनकम की तो इसमें पर मंथ सैलरी है 21,700 रुपये। आइए अब हम फॉर्म देखते हैं, फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में आज बताऊंगा आपको। फॉर्म भरते हैं, एप्लीकेशन सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और PDF नोटिफिकेशन का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट नेम डालेंगे और लास्ट नेम फिल करेंगे, अपनी मेल आईडी डालेंगे और ईमेल आईडी दोबारा डालेंगे। कंफर्म करने के बाद मेल आईडी अपना पासवर्ड जनरेट करेंगे। पासवर्ड आपका एक अल्फाबेटिक, एक न्यूमेरिकल, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए उसके अंदर। अपना पासवर्ड बनाने के बाद कंफर्म पासवर्ड में वही पासवर्ड डालेंगे जो आपने बनाया है। उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और बाकी डिटेल जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में उसके हिसाब से ही डालें और वही स्पेलिंग, वही DOB, वही चीज़ें डालें। उसके बाद आप सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज करेंगे, आप उनमें से कई सारे ऑप्शन हैं, कोई भी चूज कर सकते हैं और उसका आंसर वहाँ पर लिख करके कैप्चर कोड डालेंगे और कैप्चर कोड डालने के बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके पास एक मेल आएगी, मैं आपको दिखा देता हूँ मेल किस तरीके से होगी। इस तरीके से आपको एक मेल आएगी, उस मेल पर एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करना है आपको और क्लिक करते ही आप ऐसे ही एक पोर्टल पर डाइवर्ट हो जाएंगे। इस पोर्टल पर आने के बाद आपको अपनी मेल आईडी डालनी है और जो भी आपने पासवर्ड बनाया था रजिस्ट्रेशन के वक्त उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल करना है। पासवर्ड डालने के बाद कैप्चर कोड फिल करेंगे, उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर दिखाई देगा कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट, उसके सामने लाइव लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे और फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। फोटो और साइन अपलोड करेंगे, फोटो आपकी 30 से 100 KB के बीच होनी चाहिए और सिग्नेचर 15 से 30 KB के बीच होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। और अपलोड करने के बाद इस कंफर्मेशन पर क्लिक करें और सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ डिटेल फिल करनी है। माय प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद, माय प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ डिटेल डालनी है, अपना फ़ोन नंबर डालना है, अपने पिताजी का नाम डालना है और अपने माताजी का नाम डालना है। नाम डालने के बाद कंट्री सिलेक्ट करेंगे, इसमें इंडिया लिखना है, इंडिया पर क्लिक करना है। उसके बाद आप अपना प्रॉपर एड्रेस फिल करेंगे। एड्रेस फिल करने के बाद स्टेट चूज करेंगे, आप अपना स्टेट यहाँ पर चूज कर सकते हैं, लिस्ट में अपना स्टेट देखेंगे और उसको चूज करेंगे। स्टेट चूज करने के बाद डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे,
उसके बाद पिन कोड दर्ज करेंगे। पिन कोड डालने के बाद कॉरस्पोंडेंस एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद अपने क्वालिफिकेशन डिटेल डालेंगे। क्वालिफिकेशन डिटेल में आप 10th सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, उसमें आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, उसके बाद आप अपने परसेंटेज लिखेंगे, उसके बाद प्लस के निशान पर क्लिक करना है। इस साइट का सर्वर काफ़ी ज़्यादा डाउन रहता है, तो अगर आप उस पर क्लिक करते हैं और कोई ऑप्शन नहीं खुलता है तो थोड़ा सा वेट करें, इंतज़ार करने के बाद आप उस फॉर्म को कंटिन्यू करें। उसके बाद आपके पास ऑप्शन खुल जाएगा, उस ऑप्शन में आप अपने 12th ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने क्वालिफिकेशन की हुई है उस क्वालिफिकेशन को यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारी लिस्ट में नाम है, जो भी क्वालिफिकेशन आपने की हुई है उसको सिलेक्ट करें और अपने इंस्टीट्यूट का नाम डालें। जैसे मैं 12th सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं स्कूल का नाम डालूँगा, उसके बाद परसेंटेज डालना है। परसेंटेज डालने के बाद आपको यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करना है, फिर मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है और अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। अगर आप जनरल हैं तो जनरल यूआर पर क्लिक करेंगे, एससी एसटी ओबीसी हैं तो उसके हिसाब से आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आता है सर्विस और एक्स सर्विसमैन के बारे में, तो यहाँ पर आपको प्राइवेट पीएसयू और अनएम्प्लॉयड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे नीचे चार ऑप्शन हैं, चार ऑप्शन में से सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे जो रेड कलर में नोटिस है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अप्लाई एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और पेमेंट करना है। यहाँ पर जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं उन सभी को एग्री करना है। एग्री करने के बाद आप यहां पर पेमेंट गेटवे पर आ जाएंगे। यहां पर आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग। आप यहां पर यूपीआई नहीं कर सकते हैं और पेमेंट